नमस्कार, मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। देश में एक बार फिर मोदी की सरकार बन गई है। मोदी 3.0 की शुरुआत होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन मोड में आ गए हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद सोमवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में पहुंचकर काम भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री इस बार भी शुरुआत से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मोदी 2.0 में जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें इस बार पूरा करने का संकल्प लिया गया है, जिसकी झलक भी देखने को मिलने लगी है। जी हाँ, पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन किसानों को बड़ी सौगात दी। शपथ ग्रहण के महज 16 घंटे बाद उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने के लिए फाइल पर साइन किया। इसके जरिए किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री के इस फैसले से देश के 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार किसान कल्याण के लिए काम करेगी और इतना ही नहीं, इसके अलावा कई ऐसे जनहित काम हैं जिन पर सरकार का फोकस सबसे पहले हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो काम। देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही पीएमओ में एंट्री ली तो सबसे पहले किसानों के हित में बड़ा फैसला ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन पर काम करेंगे। इसका जिक्र लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री ने खुद किया था। वहीं पीएम मोदी के सबसे पहले किए जाने वाले कामों की लिस्ट में अगला काम प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY से जुड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी 3.0 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी जा सकती है। वहीं अब जबकि देश में गठबंधन की सरकार बनी है तो फिर मोदी कैबिनेट का चुनावी राज्यों पर विशेष फोकस देखने को मिल सकता है और ऐसे में इन राज्यों के लिए कुछ लोक लुभावन और बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। दरअसल साल 2025 तक देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड और बिहार शामिल हैं। ऐसे में इन राज्यों पर केंद्र की गठबंधन सरकार का ध्यान रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में लगे झटके की भरपाई करना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके अलावा इस सरकारी स्कीम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता में करीब 50% का इजाफा भी देखने को मिल सकता है। तो वहीं पीएम मोदी का अगला फोकस बेरोजगारी पर होगा। देश में बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के प्रयास के तहत कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। जाहिर है लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना था और विपक्ष ने भी इसे काफी भुनाया था, जिसका असर कहीं ना कहीं भाजपा के वोट बैंक पर भी देखने को मिला था। इसलिए मोदी सरकार इस बार उन मुद्दों पर सबसे पहले फोकस कर रही है जिसने चुनाव में उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और नुकसान पहुंचाया है। खैर, अब मोदी का ये तीसरा कार्यकाल बाकी 10 सालों से कितना अलग होता है और जनता को इससे कितना फायदा पहुंचता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।